प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें विकसित भारत से संबंधित दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा की जाएगी। नीति आयोग की शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। इस बैठक को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। संजय राउत ने कहा, नीति आयोग की बैठक में इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे, ये लगभग तय हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पहले ही कह चुके हैं कि वो नहीं आएंगे। केजरीवाल साहब जेल में है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और अन्य भी है जो नहीं आना चाहते, क्योंकि उनका मानना है कि नीति आयोग देश के विकास में समतुल्यता नहीं रखता है। आपने बजट और नीति आयोग के कार्यों में यह देखा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें विकसित भारत से संबंधित दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा की जाएगी। नीति आयोग की शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। इस बैठक को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। संजय राउत ने कहा, नीति आयोग की बैठक में इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे, ये लगभग तय हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पहले ही कह चुके हैं कि वो नहीं आएंगे। केजरीवाल साहब जेल में है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और अन्य भी है जो नहीं आना चाहते, क्योंकि उनका मानना है कि नीति आयोग देश के विकास में समतुल्यता नहीं रखता है। आपने बजट और नीति आयोग के कार्यों में यह देखा होगा।